हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड मैं हूं आपका दोस्त मनीष। सो दोस्तों, आज जो गाड़ी अभी अपने सामने देख रहे हैं ये है आपकी रेनॉल्ट्स की ट्राइबर। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी गाड़ी सस्ते में जो आपकी 7 सीटर की जो फैमिली नीड है उसको पूरी कर दे, तो दोस्तों गाड़ी आपके लिए रेनॉल्ट की ट्राइबर। एंड दोस्तों, ये आपकी मल्टी पर्पस व्हीकल गाड़ी है। सो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ कि आपको कुछ उस टाइप की मिल जाएगी। ये कार्ड जैसी लगती है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन एंड लाइट जलाने के लिए यहाँ से बटन वगैरह दिए गए हैं। सो कुछ इस टाइप की इसमें की रहती है। एंड दोस्तों, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये आपको टोटल 3 से 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। सो बेस मॉडल RXE, सेकंड आता RXL एंड आपका टॉप मॉडल आएगा RXZ जो कि आपका आता है ड्यूअल टोन में। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो आपको इसमें पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर इसके शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो स्टार्ट होती है 6.33 लाख से एंड टॉप मॉडल जाता है आपका 8.97 लाख रुपीज़ तक। सो दोस्तों बात करते हैं अगर इसके ट्रांसमिशन की, तो उसमें आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, आपका वेरियंट रहेगा RXZ, इसकी जो प्राइस आएगी दोस्तों वो एक्सोरूम आएगी 8.22 लाख रुपीज़। एंड दोस्तों अगर फ्रंट की बात करें, आपके सामने फ्रंट है, बीच में दोस्तों आपका रेनॉल्ट्स का लोगो मिलता है क्रोम के साथ। वहीं जो उसकी ग्रिल मिलेगी वो भी आपको क्रोम एलिमेंट के साथ मिल। हेडलाइट सेटअप की बात करें तो आपको मिलता है ड्यूल बम में, एक आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, दूसरा आपका नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ। नीचे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर। एंड ये दोस्तों आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये आपके फॉग लैंप प्लस DRLs दोनों का काम करेंगे। एंड फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो आपको 185 mm का इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। साइड की प्रोफाइल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों यहाँ टायर साइज़ की बात करते हैं तो आपको मिलता है 185/65 R15 का टायर साइज़ फ्रंट में कंपनी आपको डिस्प्ले को ऑफर करती है। साथ में दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स एंड दोस्तों ब्लैक कलर की क्लैडिंग पूरी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी। मिरर की बात करते हैं तो ये आपको मिलते हैं ग्लॉसी ब्लैक में। एंड साथ में दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड। ऊपर आपको रूफ रेल्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी, सनरूफ का ऑप्शन इसमें आता नहीं है दोस्तों। एंड फ्रंट में आपको मिल जाता है एंटीना, साइड से आपको मिलती है ब्लैक कलर की क्लैडिंग टाइप का, देखने में गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। बैक प्रोफाइल दोस्तों गाड़ी की बहुत नॉर्मल सी दी गई है, आपको इसमें ड्राइवर की बैजिंग मिल जाती है, उसके नीचे आपको कैमरे की प्लेसमेंट एंड ऊपर आपको रेनॉल्ट का लोगो मिलता है। साथ में आपको मिलता है वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट। एंड दोस्तों यहाँ आते हैं टेल लाइट सेक्शन में, तो जो कि आपको मिलता है हैलोजन में कंप्लीट। नीचे आपको रेनॉल्ट्स की बैजिंग मिल जाएगी। पार्किंग सेंसर की बात करें तो आपको इसमें 3 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको मिलती है स्किड प्लेट देखने के लिए। एंड दोस्तों अगर इसकी बूट स्पेस की बात करते हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं यहाँ से इसकी, तो दोस्तों इसमें बूट स्पेस है ही नहीं। ये देखिए आप, मात्र 84 लीटर का बूट स्पेस है। सेम सफारी का भी दोस्तों लगभग 84 या 90 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, वो बात अलग है, आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं तो अराउंड आप पे 400 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा, बट फिर इसका 7 सीटर का जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए खैर, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि कॉस्ट भी गाड़ी की कमी है, 9 लाख रुपये में आपको कंप्लीट गाड़ी मिल जाती है, उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे बंद करते हैं, मैं इधर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इसका रहेगा ड्राइवर साइड डोर पैनल जो कि आपका ड्यूअल टोन में मिल जाता है। ये भी टोटल आपका हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। यहाँ आपके पूरे पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह दोस्तों दिए गए। साथ में आपको मिरर सेट करने के कंट्रोल यहाँ से दिए मिल जाते हैं। नीचे आपको मिलती है स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस आपको बोटल स्पेस। सीट की बात करें तो आपको दोस्तों मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगी सीट हाइट। एंड दोस्तों ये आपका रहेगा मैनुअल वेरियंट। इंटीरियर की बात करते हैं तो आपके सामने इसका इंटीरियर है ड्यूअल टोन में। दोस्तों अगर बात करें इसके इंटीरियर की तो आपको इसमें ड्यूअल टोन का इंटीरियर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो नॉर्मल आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, डी कट शेप मान लीजिए इसको आप, विदाउट लेदरेट मिलेगा आपको। एंड बीच में रेनॉल्ट्स का लोगो। लेफ्ट साइड दोस्तों आपको कंट्रोल मिलते हैं टेलीफोनिक एंड राइट साइड आपको कॉल कट करने के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपके सामने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा जो कि आपका डिजिटल रहेगा। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं RPM मीटर मिल जाता है, बीच में आपको दोस्तों स्पीडोमीटर मिलेगा, इधर आपको फ्यूल गेज प्लस आपका टेम्परेचर मीटर वगैरह सब कुछ यहाँ शो कर देता है। इधर आपको मिल जाते हैं वेंट्स की प्लेसमेंट दोस्तों एंड लाइट्स की प्लेसमेंट वगैरह, यहाँ आपको मिल जाती है इंडिकेटर प्लेसमेंट। अगर दोस्तों गाड़ी की बात करते हैं सेंटर डैशबोर्ड की तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये आपका दोस्तों सिल्वर का पार्ट मिल जाएगा, प्लस जो टच स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलती है 8 इंच की टच स्क्रीन। तो यहाँ आपको बाकी कंट्रोल्स वगैरह दिए गए, जैसे आप देखते हो हजार्ड का डोर लॉक करने के लिए ट्रैक्शन, एंड दोस्तों फ्रंट का जो डिफॉगर का आता है उसका आपको कंट्रोल दिया गया। एसी की बात करें तो मैनुअल एसी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको मोबाइल रखने का स्पेस मिल जाता है, प्लस ये रहता है आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन। यहाँ दोस्तों आपको और मोबाइल रखने का स्पेस, प्लस वहीं दोस्तों आपको एक सी टाइप का ऑक्स का
प्लेसमेंट मिल जाती है। ये आपके रहेगी 5-स्पीड मैनुअल गाड़ी। दोस्तों यहाँ आपको कप ग्लास होल्ड, दोस्तों ये आपका सीक्रेट कंपार्टमेंट है। यहाँ जैसे ओपन करेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको लिखा है कूलिंग नोब। एंड दोस्तों यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, कुछ भी आप ड्रिंक वगैरह आपकी ठंडी कर सकते हैं। यहीं दोस्तों आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, काफ़ी बड़ा साइज़ का आपको उसमें ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी बटन दबाते हैं तो ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। प्लस ये आपको मिलता है मिरर, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। एंड दोस्तों अगर सनवाइज़र की बात करें तो आपको इसमें वारंटी मिरर वगैरह मिल जाता है। यहीं दोस्तों ड्राइवर साइड में आपको वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। सो कुछ स्टेप रहता है फ्रंट का इसका डैशबोर्ड। तो दोस्तों अगर आपको डैशबोर्ड इसका अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करना एक बार। पीछे वाले डोर की बात करें तो वो भी आपका ड्यूल टोनर मिल जाता है दोस्तों देखने के लिए। टोटल इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर एंड वहीं दोस्तों स्पीकर प्लस बोटल स्पेस। यहाँ बात करते हैं आपके सामने इसका इंटीरियर है, चली चलते हैं अंदर एक बार। मिडल सीट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आपको इसमें थाई सपोर्ट मिलता है वो ठीक ठाक से आपको इसमें थाई सपोर्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों सीट की बात करें तो आपको जो उसमें सीट मिलती है वो आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिल जाएगी। एंड इसमें आपको जो हेडरेस्ट मिलेंगे वो आपके मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। प्लस दोस्तों बीच में आपको कोई भी आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग नहीं मिलती है। एंड बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मिडल रो पैसेंजर के लिए बात करें, यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। प्लस दोस्तों एसी वेंट की बात करें तो बीच में आपको एसी वेंट नहीं मिलता है। यहाँ आपको साइड पिलर में इसकी एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको मिल जाएंगे रीडिंग लैंप्स देखने को, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर बात करते हैं पीछे वाले पैसेंजर के लिए कि वहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, तो चलिए चलते हैं एक बार पीछे वाले पैसेंजर की तरफ, वहाँ बैठ के एक बार दिखाते हैं कि आपको कितना कम्फर्ट वगैरह मिल जाता है। सो दोस्तों बात करते हैं इसके, अगर पीछे वाली रो पे आपको एक्सेस करना है तो किस टाइप से आप इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लीवर दिया है, इस लीवर को खींचिए एंड ये आपकी सीट टंबल हो जाएगी कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आपको स्पेस रहेगा। चलिए चलते हैं अंदर अगर बैठ के देखते हैं। सो दोस्तों अभी मैं इसके पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ एंड इसको भी ऊपर कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो अब बात करते हैं दोस्तों पीछे वाले पैसेंजर के लिए। थाई सपोर्ट तो दोस्तों है ही नहीं, खैर बिल्कुल नहीं है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए एसी वेंट की प्लेसमेंट तो दी गई है दोस्तों। चलो ये तो अच्छा है कि आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहीं दोस्तों बात करते हैं, बड़ा आदमी तो नहीं बैठ पाएगा, बच्चे बैठ सकते हैं। बट दोस्तों जिसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे, वो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। प्लस आपकी सीट 50-50 में स्प्लिट हो जाती है। एंड यहाँ आपको कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। प्लस दोस्तों पीछे वाली सीट कम्फर्टेबल बिल्कुल नहीं है एंड बच्चे शायद बैठ जाएँ दो, बट कोई बड़ा आदमी तो नहीं बैठ पाएगा। एंड फ्रंट का आपको कुछ इस टाइप का इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं रेनॉल्ट ट्रैवर के इंजन की, तो आपके सामने इसका इंजन वेयर आएगा जो ठीक ठाक सा लगता है देखने में। एंड अगर इंजन की बात करते हैं तो आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 72 BHP की। वही 96 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड बोनट की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें हल्का सा कपड़ा टाइप का इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही आप देख रहे हो वाइपर के पाइप्स, वाइपर फ्लूइड के, ये देखो पाइप ओपन में टोटल। तो कुछ इस टाइप से रहता है इसका इंजन वे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।